हाय दिस इज़ फरमान हज़र, वॉच मी ऑन टेली रिपोर्टर। मुझे लगा यूडी बहुत बिल्टअप दे रही हैं, बड़े फ़नी मूड में बैठी हैं। एक तो मुझे बिट्टू बुला रही हैं, बिट्टू मेरी सिर्फ माँ बुलाती हैं, तो मैं समझ गया कि आज इन्होंने अगर मुझे बिट्टू बुलाया तो ये जब भी कुछ ऐसी हरकत करती हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कुछ सरप्राइज़ देने वाली हैं। और गिफ्ट्स किसे नहीं पसंद, तो मुझे लगा कि आज ये कुछ शायद सरप्राइज़ दे रही होंगी। तो उनकी बातों से मुझे लगा कि शायद ये वो चीज़ है जो जिसे मैंने पूरे बचपन मांगा है, वो था उनका एक पुराना टाइपराइटर। अब मुझे भी नहीं बताया उन्होंने क्या है, अब वो मुझे रूम में जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर क्या है ऐसा जिसके लिए यूडी मुझे बोल रही है। लेकिन मैं चाहता था कि शायद वो टाइपराइटर हो, अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए मुझे भी आगे काम करना पड़ेगा। चर्चाएँ दूसरी शादी की, शायद यूडी बहुत खफा है और यूडी दूसरी बीवी ढूंढ रही है मेरी, मुझे पता नहीं अभी इस बारे में। लेकिन अगर होगा कुछ ऐसा तो देखते हैं घर परिवार को कैसे मनाना है। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो पहली शादी भी नहीं चाहता था, मुझे सिर्फ अपने काम से प्यार था, अपने बिजनेस से प्यार था, अपनी माँ से प्यार था, और ये सब के लिए टाइम ही नहीं मिला है कभी। नित्यम इतना घिरे रहे हैं ज़िंदगी की परेशानियों में, अपने अतीत में, पास्ट में, कि उनको कभी सोचने का टाइम नहीं मिला। और मुझे लगता है जो भी है अब रिश्ता निभा लेंगे, कोई खास ज़रूरी तो नहीं है, कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, उनके लिए उनका परिवार सब कुछ है, वो हमेशा मानते हैं। फैमिली को उन्होंने कभी सेकेंडरी नहीं माना, हमेशा प्रायोरिटी माना है, तो वो आगे भी हमेशा मानते रहेंगे। मेरे फैंस के लिए प्यार और उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, डेंगू बहुत है तो आप लोग थोड़ी केयर करें अपनी। मेरे बहुत सारे कलीग्स, मेरे बहुत सारे को एक्टर्स, फ्रेंड्स जिन्हें डेंगू झेलना पड़ा, परेशान हुए, तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें। प्यार तो आप देते रहते हैं, इस बार मैं प्यार नहीं मांगूंगा, आपकी सेहत मांगूंगा। कहाँ कहाँ भाई, मैं कहीं नहीं जा सकता, इस समय मैं रिहर्सल कर रहा हूँ अश्विनी के साथ कल के लिए, और तुम कहाँ भागी भागी जा रही हो, तुम्हें भी तो करनी है ना हम लोगों के साथ रिहर्सल, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम यूडी में क्या करने वाली हो। प्लीज हिमो डार्लिंग, मुझे ये सब फालतू चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी तुम चलो मेरे साथ, चलो। अरे चश्मा उठाओ अपना। अरे गॉड, कहाँ फंस गई हूँ मैं आपके और डिम्पी आंटी के चक्कर में। यूडी और दादू की गोल्डन जुबली पार्टी के लिए मैंने इतनी मेहनत से उनकी लाइफ स्टोरी पर म्यूजिकल स्किट रेडी किया था, जहाँ आपको सिर्फ उनके यंग डेज का रोल प्ले करना है, लेकिन आप हो कि आपसे डायलॉग बोले नहीं जा रहे, और वो एक डिम्पी आंटी है जो एक एक रिहर्सल तक के लिए नहीं आए। मैं वो बस ऐसे ही शौकिया शौकिया पढ़ता रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ, मैं तो कॉलेज में कॉमर्स का स्टूडेंट था ना, अकाउंट्स वगैरह ये सब, ये पढ़ने का तो कभी मौका मिला ही नहीं। पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब के बारे में पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, ज्ञान का क्या, ज्ञान कभी ना कभी काम आ ही जाता है ना, काम करता है ना। ये मिठाई का अपनी दादी के लिए, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। यूडी मुझे क्या लगता है ना कि आज आप मुझे कोई बड़ा सरप्राइज। यूडी बता सकती है बस अभी, नहीं नहीं नहीं, ये इंटरव्यू भी बंद करो, जाओ और कमरे में जाके देखो, जाओ यूडी जाओ, बोला ना।